सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज का जो वीडियो है ना, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि अगर आप में से कई लोग जो है एक्सबुक सीरीज एस लेना चाहते हो, ठीक है, अभी के लिए या फिर आपके फ्यूचर प्लानिंग के लिए, ठीक है, तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत 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 यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को जो है एंड तक देखना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में ना भाई हिंदी में आपको वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक है। जब मैंने पर्सनली, मुझे लेना था एक्सबुक सीरीज एस, तभी मैंने ये सर्च किया था कि क्या क्या प्रिपरेशंस होनी चाहिए, ठीक है, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स है जिसको मुझे चेक करना है कि भाई हाँ, मैं एक्सबुक सीरीज एस ले रहा हूँ तो भाई ये मुझे हेल्प करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा वीडियो जो है मुझे कहीं पर भी नहीं मिला था, तो इसीलिए जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो नंबर वन हम बात करेंगे बजट के बारे में। अभी आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे बिग बिलियन डे सेल चल रहा है। तो अगर आपका बजट सबसे पहले 30K का था, ठीक है, तो अभी जो है एक्सबुक सीरीज एस आपको कितने मिल रहा है, जस्ट 24K। तो भाई 24K में ना ये एक बढ़िया डील है, आपको बिल्कुल भी जो है ये डील को मिस नहीं करना चाहिए, जो भी लोग एक्सबुक सीरीज एस लेना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। और अगर बात करें नंबर दो की, तो नंबर दो पे है आपका मॉनिटर या फिर आपका टीवी। अगर मॉनिटर और टीवी की बात करें तो कुछ लोग भाई ये भी सोचेंगे कि भाई मॉनिटर और टीवी में क्या चेक करना है, ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका मॉनिटर अगर पुराना है, ठीक है, तो उसमें जो है HDMI केबल का स्पेस नहीं होगा सबसे पहले, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि रिसेंटली जो है हमारे एक सब्सक्राइबर ने भाई एक्सबुक सीरीज एस को ऑर्डर किया था, उसको सक्सेसफुली मिल भी गया था, लेकिन उन्होंने जब भी प्लग करना चाहा अपने मॉनिटर से तो वो नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने पहले चेक नहीं किया था भाई कि मेरे जो मॉनिटर में HDMI केबल का स्पेस है कि नहीं है, ठीक है। तो उनकी वजह से उनका जो है 2-3 दिन तक डिले हुआ था एक्सबुक्स को स्टार्ट करने में, ठीक है, उनको फिर से अलग से कनेक्टर लेना पड़ा VGA to HDMI का, ठीक है। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि आप अगर एक्सबुक सीरीज एस परचेस कर रहे हो तो आपका टीवी या फिर आपके मॉनिटर में एक HDMI का पोर्ट होना चाहिए, ठीक है। और अगर नंबर तीन की बात करें, नंबर तीन पे है वाईफाई कनेक्शंस। और अभी वाईफाई का जब मैं अगर बोलता हूं तो कई लोग ये भी बोलते हैं कि भाई मोबाइल से जो है आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, नो डाउट आप कनेक्ट कर पाओगे, आप गेम भी खेल पाओगे, गेम डाउनलोड भी कर पाओगे। तो अगर आपने देखा होगा तो एक्सबुक सीरीज एस के साथ साथ ये भी बोला जाता है कि नेक्स्ट जेन गेमिंग कंसोल। इसका मतलब साफ साफ ये होता है कि ये अभी के लिए और आने वाले टाइम के लिए गेमिंग कंसोल बनाया गया है, ठीक है। तो देखो, अगर नेक्स्ट जेन गेमिंग कंसोल है, उसका मतलब ये है कि आपको नए नए अपडेट्स आते रहेंगे, गेम में भी अपडेट्स आते रहेंगे। जैसे जैसे गेम्स में अपडेट आएंगे ना, तो इसका गेम का साइज, इसका अपडेट का साइज काफी बड़ा होगा। और अभी फिलहाल मैं बात करूँ ना, तो इसमें कई सारे गेम्स ऐसे भी है जो 100GB के ऊपर है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, Forza Horizon 5 जो कि एक्सबुक सीरीज एस और एक्स के लिए जो है ऑप्टिमाइज है, उसका साइज कितना है, 116GB से लेके 125GB तक, ठीक है। तो वो जो है आप मोबाइल इंटरनेट से कैसे कर पाओगे, तो इसीलिए आपको जो है वाईफाई कनेक्शन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कई लोगों के पास अभी अवेलेबल नहीं होता है, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आने वाले टाइम में जो है आप एक भले ही सस्ता वाला प्लान ले ले कोई, ठीक है, बट अनलिमिटेड वाला प्लान ले और आपका जो एक्सबुक्स है उसको जो है वाईफाई से चलाए, ठीक है। अगर बात करते हैं नंबर फोर्थ की, तो नंबर फोर्थ में जो है आपको ये एक्सबुक सीरीज एस में ना रिमोट देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये रिमोट का मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर जो है डबल ए बैटरीज लगती है, ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है आपको एक केबल का ऑप्शन जो कि है टाइप सी का, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि अगर आप वायरलेसली चलाओगे ना, तो आपको जो है बार बार ये बैटरीज को रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, ये बात आप जो है बिल्कुल अपने दिमाग में रख के चलिएगा। अगर आप एक वायर से कनेक्ट करके वायर के साथ यूज करोगे, ठीक है, तो आपको जो है काफी इजी होगा। इसमें एक और भी ऑप्शन है कि प्लग एंड प्ले किट आता है एक्सबुक सीरीज एस का, वो भी आप परचेस कर सकते हो, लेकिन वो अराउंड 2000 के आसपास है, ठीक है, उसको भी आपको जो है चार्ज पे लगाना है, खेलना है, चार्ज पे लगाना है, खेलना है, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचो कि भाई एक आपका बजट ही इतना कम था और फिर भी आपने जो है एक्सबुक सीरीज एस
कहीं से भी मैनेज करके ले लिया, ठीक है। और फिर आप जो है इतना एक्स्ट्रा खर्चा करोगे तो आपका बजट और बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक केबल है, ठीक है। ये केबल जो है वन प्लस का केबल है। यहाँ पर ये देखिए, ये सी टाइप का है और ये एक यूएसबी का है, ठीक है। तो मैं जब भी गेमिंग करता हूँ ना भाई, तो ये सेल जो है मेरे काम में नहीं रहता है, मैं इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, मेरा गेमिंग आराम से हो जाता है, ठीक है। और एक मैंने और भी केबल मंगवाया है अमेजोन से, ठीक है। वो 10 फीट लंबाई वाला है, ठीक है। तो मैं उसका भी लिंक जो है आपको इस वीडियो में दे दूंगा। ये जो है काफी हेल्पफुल रहता है आप सभी के लिए। ये पॉइंट्स जो है आपको काफी हेल्प करेंगे एक्सबुक सीरीज एस को परचेस करने में, ठीक है। तो गाइज यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एक्सबुक सीरीज एस के ऊपर और भी वीडियो बनाऊं, जैसे कि अगर हमारा कंसोल आ गया तो उसको सेटअप कैसे करना है, उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, पेड गेम्स जो है आपको किस तरह से बाय करना है, तो भाई मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए एंजॉय।